बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम टोबा टेक्सिंग के मशहूर तरीन पार्क पीकू पार्क में मौजूद हैं। तो आप पीछे चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह इधर आपको सारे मनाजर दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर किसी दौर में कश्तियाँ तैरा करती थीं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही सुनसान हो गया काम। ये है जी सबसे बड़ा टावर टोबा टेक्सिंग का, सबसे ऊंचा, और ये टावर तकरीबन टोबा टेक्सिंग में हर जगह से नज़र आता है। ये इतना बुलंद है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको बताया जाए, ये बैक साइड पे टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन है, वो पीछे आपको शायद दूर से नज़र भी आ रहा हो, वो मुसाफिर भी खड़े हैं दूर। तो इस जानिब हम आए हैं चले हुए, आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं। तो मैं आपको इधर मटके दिखाता हूँ। ये मटकों की स्टोरी ऐसे है कि टेक्सिंग हुआ करता था, सिख आदमी था, वो दूर से आए मुसाफिरों को ना इधर पानी पिलाया करता था। ठीक है, ये मटके आप देख सकते हैं, ये उसी की याद में बनाए गए हैं, उसको याद रखा गया है। तो आगे चलें तो ये पता नहीं, इधर मेरा ख्याल है पुल वगैरह है जो कि अब बिल्कुल तबाह हुआ हुआ है एक किस्म का, इसकी देखभाल ना की जाने की वजह से ख़राब हुआ हुआ है। तो बाकी ये वो कुआँ है जिधर से वो पानी निकाल कर पलाया करता था, ये वाला, ये देखें कुआँ, ये वो कुआँ था जिधर से वो पानी पिलाया करता था निकाल निकाल कर दूर से मुसाफिरों को। तो बाकी ये सारी जगह जो सी आपको नज़र आ रही है, इधर सारी जगह पर पहले कश्तियाँ हुआ करती थी, तैरती थी, तो अब तो बिल्कुल वीरान हो गया काम, इसकी देखभाल ना कर ली जाने की वजह से। तो बाकी आप पार्क देखें, किसी ज़माने में ये बड़ा पार्क में बड़ी रौनक हुआ करती थी, तो अभी भी है लेकिन अभी वो बात नहीं रही। तो इधर आपको सब दिखाते हैं आगे चीज़ें, लोग के साथ आप बने रहें। तो पार्क आपको दिखाते हैं, इधर बच्चे वगैरह झूले ले रहे हैं। तो अब तो इतनी रौनक नहीं रही जिस तरह पहले हुआ करती थी रौनक, लेकिन फिर भी आबाद है अभी तक। तो आप देख सकते हैं बच्चे वगैरह झूले ले रहे हैं इधर। तो इस साइड पर देखें तो आप नलका भी लगा हुआ है जी पानी के लिए, भाई नहाने लगे हुए हैं, गर्मी बहुत है भाई। सामने आपको पुल भी नज़र आ रहा होगा, ये जो सा पुल है ना वो बगैर किसी सहारे के खड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ है इस वक्त का, बगैर किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है। बाकी यार उधर वाली साइड पे वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि उधर फैमिलीज़ वगैरह खड़ी हैं, तो इसलिए। तो ट्रेन भी आ चुकी है, वो देखें आपको नज़र आ गई होगी। पीछे जो मुसाफिर खड़े थे उनका इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया, तो उनकी गाड़ी अब आ चुकी है, तो आपको दिखाते हैं अभी नज़दीक आ जाए।
तो जी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी है, तो अब मुसावर इसमें बैठेंगे और अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये एक भाई आए हैं, भाई आपने किधर जाना है? जी मैंने लाहौर जाना है। किधर, लाहौर जाना है आपने जी? तो आप क्यों नहीं जा रहे इसमें? बस मैं वो यानी किराया नहीं है मेरे पास। तो किराया कैसे आपका गुम हो गया ये बताएं? इसलिए वो मिस हो गया, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। अच्छा ट्रेन मिस हो गई, बावलपुर रह गया। तो आपकी कोई चीज़ चोरी हुई है? चोरी नहीं हुई, बस वो ट्रेन निकल गई। अच्छा अच्छा ट्रेन निकल गई है, मेरा किराया मिस हो गया। सही हो गया, सही। मैं रात से यहाँ रुका हूँ, मैंने अभी सुबह नाश्ता भी नहीं किया। तो ये जो से भाई हैं ये कराची से हैं, इनकी ट्रेन मिस हो गई थी जिसकी वजह से ये इधर ही रह गए हैं। तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे। चलो इंशाल्लाह हम जितना कर सकते हैं हम करते हैं आपका। ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, तो पता नहीं अभी किस साइड पर जाएगी। मेरा ख्याल है कि कराची की ट्रेन है ये, कराची की। हाँ जी, तो कराची के लिए रवाना होगी। जानी हम चले हुए जाएं तो आगे इधर इन्होंने बड़ी प्यारी जगह बनाई हुई है इधर, तो आपको चल के दिखाते हैं आगे, चेक करें आप। बच्चे वगैरह खड़े हुए हैं ऊपर, तो चलो ऊपर जाके देखते हैं। तो इधर से हम चले हुए जाएंगे ऊपर। तो जी ऊपर आए हैं हम, तो इधर इन्होंने बैठने के लिए जगह दी हुई है। ऊपर हवा भी है, हवा वगैरह लगेगी। ऊपर से माहौल भी सारा नज़र आता है नीचे का, तो अच्छी जगह है वैसे। चेक करें आप, तो जी बाकी अब इधर से निकलते हैं, रवाना होते हैं, चलते हैं वापसी के लिए। तो ये रहा अपना होंडा जिस पर हम आए हैं, तो अब निकलते हैं इस पर ही बैठ के। तो बाकी यार अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया ना, तो व्लॉग को लाइक कर कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि यार मज़े मज़े के व्लॉग आते रहें, तो लाजमी तौर पर सपोर्ट करनी है भाई को, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, जिससे हमें व्यूज़ आएँगे और मज़ा आएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कोई और नेक्स्ट किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।